राहुल हैं जबलपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राहुल गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। जी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा मेरा नाम ठीक राहुल है ठीक है। और मैंने एक शेयर लिया था बहुत पहले। मैंने एक इन्वेस्ट किया था जब बहुत नीचे आया था पीएनबी, तो मैंने मेरा मतलब एवरेज 33 के आसपास है और मेरे पास 14,000 क्वांटिटी, अभी 14,000 हो गए क्वांटिटी, पहले 20,000 थे। तो मैंने 20,000 सेल कर करते तो मेरा अभी 33 पे 14,000 है। तो मुझे ना एक्चुअली ये 150-170 के रेट तक मुझे ये मिल सकता है क्या स्टॉक बेचने के लिए? क्योंकि ठीक है जैसे ठीक। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 200 रुपए पहुंच गया है और काफी पीएसयू बैंक मतलब बहुत अच्छी रैली थी, बिल्कुल बट पीएनबी भी एक थर्ड लार्जेस्ट बैंक है लेकिन ये अभी तक उस लेवल तक गया नहीं है जब ये 200-250 से गिरा था तब। ठीक ठीक है राहुल, हम आपको इस पे एक बेहतर राय देने की कोशिश करेंगे। नितेश बताएं क्या करना चाहिए। पीएनबी इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, अच्छा खासा मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है, बहुत बड़ी पैमाने पे इन्होंने स्टॉक्स की संख्या भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की है। अब इनका लक्ष्य थोड़ा बड़ा है, 150 170, क्या भविष्य में पीएनबी में इस तरह के लक्ष्य नज़र आ सकते हैं? पीएसयू बैंक्स पर नज़रिया जो है वो हाल फिलहाल जिस तरह का पॉजिटिव रहा है उस पर क्या राय होगी? डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर मैं भी काफी बुलिश हूँ और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। मैंने भी क्लाइंट्स को 35, 37, 47, 57 या इस लेवल के ऊपर भी ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग करवाया था। 90 रुपीज के टारगेट थे लेकिन स्टॉक 82-83 के आसपास जाके थोड़ा सा रुक रहा था तो हमने हमारी पोजिशंस को कट किया है। तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो आपको एक स्पेसिफिकली मैं एक राय देना चाहूंगा, 62-64 ये लेवल का क्लोजली वॉच करें। इसके नीचे जाएगा तो फिर ये स्टॉक में खराब होगा। जिस भी दिन ये स्टॉक में फिर से एक रैली अगर देखने को मिलती है 77-79 ये लेवल के ऊपर तो आप 70 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के पोजिशन को होल्ड कर सकते हो। इसका मंथली चार्ट काफी अच्छा पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि 60 के नीचे ये स्टॉक में खराब माना जाएगा। फिर यहाँ से अगर ये 90 को क्रॉस कर देता है तो 150 थोड़ा सा कहना डिफिकल्ट है लेकिन 120 ये जो लेवल है उसका 120 का लेवल एक बार के लिए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं जहां पे उसने डाउन वाला कैंडल बनाया था 120-125 के आसपास। तकरीबन अगर हम लोग बात करेंगे तो जून 18 के आसपास वाला वो एरिया होगा, सॉरी फरवरी 2018 का एरिया होगा, तो वहां तक स्टॉक एक बार के लिए जा सकता है। तो आपको वहां पे नजर रखनी पड़ेगी लेकिन पहला जो हर्डल होगा आपके लिए 77 से लेके 79, इसको क्रॉस करने के बाद 90, और 90 को सक्सेसफुली क्रॉस कर देता है तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं, 120 तक चल सकता है। ठीक है, तो ये नज़रिया आपका और इस पे अहम लेवल्स आपको कहाँ निगाह रखनी है ये भी आपको बताते हुए नितलेश अगले कॉलर